हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टेक जोन। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपको लोकेशन कुछ अलग सी लग रही होगी, जगह कुछ अलग सी लग रही होगी, क्योंकि मेरी अमूमन वीडियो में मैं अपने घर के अंदर शूट करता हूँ। आज मैं कुछ अलग करने की कोशिश में, आज मैं थोड़ा आउटडोर शूटिंग करूँगा ताकि लाइट कंडीशन अच्छी रहे। फिर भी शाम हो चुकी है, देखते हैं कि कैसी वीडियो बनती है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, यह है हीरो एक्सट्रीम 200R के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हीरो एक्सट्रीम 200R, जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता होगा, हीरो ने हाल फिलहाल में ही अपने 200R को लॉन्च किया है। क्योंकि हीरो के पास एक 200 सेगमेंट खाली था, क्योंकि 150cc के ऊपर उनके पास अभी कोई बाइक नहीं है। सुनाई में तो ये भी है कि हीरो अपर सेगमेंट में काफी प्रोडक्ट के ऊपर काम करे, जो कि अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि हीरो काफी हाई सेगमेंट के प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। बट अभी जो उनके पास 150 सेगमेंट से ऊपर की कोई गाड़ी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अभी जो लॉन्च करा हुआ है 200R। दोस्तों, इस गाड़ी में जो है 200R, आप कह सकते हैं कि जो इनकी 150 एक्सट्रीम थी, उसी के बेस पर ही ये गाड़ी है, उसी के प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बनाई गई है। तो इसमें जो इंजन दिया गया वो 200cc का दिया गया, और इसमें जो आप कह सकते हैं कि ABS केवल सिंगल चैनल ABS है, जो कि फ्रंट डिस्क में सिंगल चैनल ABS है। दोस्तों, तो ये गाड़ी मार्केट में कितना धमाल मचा पाती है और कितना नहीं मचा पाती है तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन डिज़ाइन की बात करें इस गाड़ी की, तो एक्सट्रीम को चलाया हुआ 150 जो इनका था, और आप में से काफ़ी लोगों के पास 150cc वाली एक्सट्रीम होगी। अपने टाइम में वो गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन दोस्तों अब टाइम के हिसाब से बोलते हैं, अब डिज़ाइन काफ़ी बदल चुका है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल चुकी है, लोगों को देखने का नज़रिया बदल चुका है, तो वो एक बहुत डिज़ाइन आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन 200R को भी हीरो ने अपनी उसी प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश की है, डिज़ाइन भी उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन कुछ ग्राफिक्स की मदद से वो गाड़ी थोड़ी चेंज लग रही है। दिखने पर गाड़ी सिंपल है, सोबर है, ऐसा नहीं है कि यूथ को अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, वो एक एज लिमिट के वालों के लिए गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा यंग यूथ उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। लेकिन हाँ, अगर उसका प्राइस सेगमेंट भी देखा जाए, तो वो 1,15,000 ऑन रोड की कीमत के आसपास, गाड़ी ऑन रोड के आसपास की ऑन रोड कीमत है गाड़ी की। तो अगर आप में से किसी को बाइक को या किसी को भी गाड़ी पसंद आती है, तो शोरूम पे विजिट कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, इस गाड़ी की शूटिंग करने में पांडव नगर ऑटो नीड्स के शोरूम पे आता। तो आप में से अगर कोई भी इस गाड़ी को देखने के, इसकी गाड़ी की कोई भी क्वारी चाहिए, इस गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप में से वो शोरूम जा सकता है, टेस्ट ड्राइव अवेल कर सकता है, और गाड़ी की बाकी इंक्वायरी कर सकता है, बाकी जानकारी ले सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन पे शोरूम का पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन का पूरा नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में सब दे दूंगा। तो आप में से जिसको भी गाड़ी लेने की इच्छा है, इस गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप शोरूम जा सकते हैं, वहाँ पे जाइए, विजिट करिए, कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो आप उनसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और गाड़ी पसंद आती है तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी में 4-5 कलर अवेलेबल है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो सबसे अच्छा कलर लगा ब्लू ही लगा, इसलिए मैं जो शूट कर गया वो ब्लू कलर के ऊपर ही करके आया। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को चालू करता हूँ, और देखिए क्या कुछ खास है इस गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो हीरो एक्सट्रीम के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम आए ऑटो नीड्स, जो कि एक हीरो का शोरूम है, और ये पांडव नगर में लोकेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो नीड्स हीरो। तो आज हम यहाँ आए हैं हीरो एक्सट्रीम 200R की वीडियो शूट करने। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अंदर शोरूम के और दिखाते हैं आपको गाड़ी कि क्या कुछ खास है गाड़ी में, और बताते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये है हीरो 200R एक्सट्रीम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीले रंग में गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये जो आप देख पा रही हैं एक्सट्रीम का बैजिंग है, आप इसको कह सकते हैं, जो इसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया एक्सट्रीम के लिए। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, और गाड़ी भी दिखने में दोस्तों अच्छी है। ऐसा नहीं कि गाड़ी बहुत आउटडेटेड लग रही है, गाड़ी दिखने में अच्छी है, कलर पेंट स्कीम का है वो भी अच्छी लग रही है। पूरी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, फिर बात करेंगे हम गाड़ी के फीचर्स के बारे में, और एंड में आपको बताएंगे गाड़ी का प्राइस। तो दोस्तों, स्पेसिफिकेशन इस तरह से है गाड़ी में, जो गाड़ी का इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो कि एयर कूल्ड फंक्शन में काम करता है, और ये 4-stroke 2-valve इंजन है। दोस्तों, गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 199.6cc है, ये 18.4 PS की पावर जनरेट करता है 8000 RPM पर, और 17.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। दोस्तों, ये जो दोस्तों इंजन है, ये कार्बोरेटेड इंजन है, और जैसे कि आप देख पा रही है एक ABS वर्जन है, बट इस गाड़ी में सिंगल चैनल ABS है, जो कि केवल फ्रंट टायर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस गाड़ी में ड्यूल चैनल ABS होता तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात होती, गाड़ी में जो फ्रंट डिस्क है दोस्तों, ये 277mm की डिस्क है, और अगर हम रियर डिस्क की बात करेंगे तो वो है 220mm की। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दोस्तों इंजन के नीचे एक कवर दिया गया, इंजन प्रोटेक्शन कवर कह लो कि, या फिर आप कह सकते हैं ये जो कवर आपको मिट्टी वगैरह से भी इंजन को बचाएगा और प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों, तो एक अच्छी बात है, और ये लुक में भी काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और ये काम भी अपना करता है, इंजन को
गन दोनों से बचा जा रहा है और उसका प्रोटेक्शन में कर रही है। अब हम गाड़ी का रियर सेक्शन देख रहे हैं। इस टाइम मैं आपको बता दूँ, ये इस रियर सेक्शन में ABS नहीं है। इसमें जो आपको रियर में डिस्क मिलेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 220 mm का इसमें डिस्क दिया गया है दोस्तों। और ये जो रियर टायर है, इसमें जो टायर दिए गए वो MRF के टायर दिए गए हैं, और इसमें ट्यूबलेस टायर है। और जो रियर टायर है दोस्तों, वो 130 mm का टायर दिया गया है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं MRF का टायर है और इसमें 130 mm का टायर है। जो पीछे के डिस्क में जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ABS नहीं है। बट हम उम्मीद करेंगे आगे आने वाले समय में कि हीरो अपनी सभी गाड़ी में ABS दे और ड्यूल चैनल ABS दे दोस्तों। अब देखिए टेल सेक्शन में आप देखें दोस्तों, LED टेल लाइट दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। जो इसकी बनावट है काफ़ी स्लीक है और एक मॉडर्न लुक भी दे रही है। और LED तो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, बट इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और अट्रेक्टिव है दोस्तों। अगर हम अलॉय के डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छे अलॉय हैं। कुछ अलग ही डिज़ाइन इस बार हीरो ने इसमें दिया है। हम साइड पोर्शन से देखें तो दोस्तों, गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। कलर स्कीम काफ़ी अच्छे, जो नए इसमें ग्राफिक्स दिए गए वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। गाड़ी का पोस्चर अच्छा है, सीटिंग अच्छी है। मैं आपको साइड से दोबारा दिखाता हूँ। कलर इसमें दोस्तों 5 कलर कंपनी ने इसमें अवेलेबल आपको करवाए हैं। रेड है, ऑरेंज है, ब्लैक है, ब्लू है और ग्रे कलर आप इसमें कह सकते हैं, सिल्वर कलर के हैं चाहे ग्रे कलर के। ये देखिए जो एक्सट्रीम लिखा हुआ है, लिखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें जो इस बार ग्राफिक्स दिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पेट्रोल में, चाहे गाड़ी आप रिजर्व में लगाइए, ऑफ करना है ऑन, तो इस नॉब से होगी। जो ये भी काफ़ी अच्छी प्लेस में कंपनी ने दी है। ये देखिए हीरो की बैजिंग है, छोटा सा हीरो यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये लिखा हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों। जिस कवर की मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों, मैं आपको दोबारा इस कवर को क्लोज लुक दिखाता हूँ। और ये जो देखिए, ये लेग गार्ड है दोस्तों, ये कंपनी फिटेड लेग गार्ड इसमें आता है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। नॉर्मली आमूमन गाड़ियों में, इस तरह की गाड़ियों में कंपनी फिट ही लेग गार्ड आते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। इसकी जो पायलट लैम्प कह दीजिए या आई कह लीजिए, ये LED लाइट्स हैं पूरी। सिर्फ जो अपर लाइट्स हैं दोनों, ये केवल LED, लेकिन नीचे एक हैलोजन बल्ब दिया गया दोस्तों इसमें, उसमें कोई LED का प्रयोग नहीं किया गया है। बट इसकी जो हेडलाइट है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, दिखने में और सुंदर है, एकदम स्लीक डिज़ाइन है, काफ़ी बल्कि नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है। ये जैसे कि मुताज़े देखिए, इसकी हेलोजन है दोस्तों जो इसकी, लेकिन मार्क काफ़ी अच्छी है, लाइटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए इसका डिपर, मैं आपको दोबारा से पास से दिखाता हूँ इसका डिपर। गाड़ी काफ़ी सिंपल लुक दे रखा गया गाड़ी का, और काफ़ी अच्छा रखेगा। इसकी जो मैं नॉब्स के अब दिखाता हूँ आपको, क्वालिटी अच्छी है और सिंपल नॉब्स हैं, फिट एंड फिनिशिंग गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कटौती की गई। गाड़ी की फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। ये इसमें चौक भी साइड में गई, ऐसा नहीं है कि आपको नीचे झुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चौक का भी इसमें, तो ये कि एक अच्छी और सिंपल बात है। इस साइड अगर हम राइट साइड देखेंगे तो इंजन किल स्विच दिया गया और सेल्फ है इसमें। अब BS4 के अकॉर्डिंग इसमें लाइट ऑन ऑफ का आपको कोई स्विच नहीं मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब हम मीटर की बात करते हैं। मीटर में अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ और मीटर के फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि इसमें डिस्प्ले क्या क्या है। एक डिजिटल एनालॉग मीटर है दोस्तों इस गाड़ी में। ABS है, आप ऊपर देख सकते हैं कि ABS की लाइट ब्लिंक हो रही है। और जो कलर का इस्तेमाल किया गया है, ये देखिए ABS की लाइट इसमें अब ब्लिंक हो रही है। और जो इस गाड़ी के मीटर में कलर का इस्तेमाल किया है, वाइट कलर का लाइट जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखो जिस पर ये जो LCD डिस्प्ले है, इसमें आपको इंडिकेटर का पता लग जाएगा, गाड़ी का न्यूट्रल का पता लग जाएगा, हाई बीम का पता लगेगा, और साइड इंडिकेटर, साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी आपको पता लगेगा। जो इसमें ये देखिए, ये आपका RPM मीटर है। और जो डिस्प्ले में आपको आएगा, यहाँ पे आपके जो दो बटन है, इससे आप गाड़ी को मोड चेंज मोड सेट कर सकते हैं और ट्रिप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से ऑन करके आपको इन मीटर को दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ। आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा मीटर के अंदर, ट्रिप मिल जाएगा, टाइम आ जाएगा, और आपका रेस इसमें गियर इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको अब इसका पेट्रोल टैंक दिखाता हूँ। इसमें टैंक पैड लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसकी। आप ये टैंक इस पैड की वजह से आपको टैंक पे स्क्रैच कम लगेंगे, जो अगर आपको कोई थोड़ा आगे करके बैठते हैं या कुछ सामान रखते हैं तो अच्छी बात है। ये जो इसका आप देख रहे हैं, ये फ्यूल कवर है, और इसमें जो ये सिल्वर कलर के पूरा राउंड देगा, इसको कैप को काफ़ी अच्छी हाईलाइट कर रहा है। और इस गाड़ी में 5 स्पीड ट्रांसमिशन की गाड़ी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें गाड़ी में 5 स्पीड ट्रांसमिशन है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की सीटिंग की पोजीशन। सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, मैंने इस गाड़ी पे बैठा है, चला है, सीटिंग पोजीशन गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, और सीट काफ़ी
लंबी है और एकदम कंफर्टेबल है, आरामदायक है। अगर पिलियन के लिए सीट देखें तो पिलियन के लिए भी काफ़ी सीट में काफ़ी स्पेस है, और राइडर के लिए तो काफ़ी अच्छी सीट है। बैक सपोर्ट भी इसमें थोड़ा मिल जाता है और काफ़ी कुशनी सीट है दोस्तों। ये देखिए, राइडर की बात करें तो काफ़ी स्पेस, और पिलियन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया गया है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग दूरी पर पिलियन को कुछ परेशानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब सुनते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एक्सट्रीम 200R के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है और शोरूम ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। आप देख सकते हैं पूरा लॉट इनके पास आ चुका है, हीरो की हर गाड़ी इनके पास मिल जाएगी। आपको जो गाड़ी चाहिए, जो रंग चाहिए, जस्ट नेम इट एंड दे हैव इट। तो आज शोरूम पर आइए और अपनी गाड़ी पसंद करिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो हीरो एक्सट्रीम 200R के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी में कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ फीचर्स हैं नहीं, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ आप देख सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स गाड़ी में केवल सिंगल चैनल ABS है दोस्तों। कलर की बात करें तो कलर अच्छा लग रहा है, ग्राफिक्स भी थोड़े अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो 200R एक्सट्रीम के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वो अगर आपको वीडियो लगी हो तो आपको पता है दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जैसे ये जानकारी आपके पास पहुंचे तो ये जानकारी बाकी लोगों के पास काफ़ी जल्दी पहुँच सके दोस्तों। और अगर आप में से जो मेरे भाई जो आज इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद है तो दोस्तों मेरे चैनल को शेयर करिए, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों अगर आप में से, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अगर गाड़ी का लेने का मन बना रहा है तो मैं शोरूम का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर और नेम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप शोरूम विजिट करिए, टेस्ट ड्राइव को अवेल करिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, और गाड़ी के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इंक्वायरी के लिए कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट शोरूम पर भी जा सकते हैं दोस्तों। जगह का नाम आपने सुना होगा, पांडव नगर में ये शोरूम लोकेटेड है दोस्तों। तो शोरूम अच्छा है, वहाँ के स्टाफ भी काफ़ी हम्बल है। जब मैं गया तो मैंने उनसे बात करी कि मुझे वीडियो बनाना, तो उन्होंने फटाफट से गाड़ी साफ करवाई, फटाफट से गाड़ी को पोजीशन पर रखा, गाड़ी को एकदम चमका दिया उन्होंने और मेरे साथ काफ़ी कॉपरेट करा। तो मैं काफ़ी थैंक्स बोलना चाहूँगा ऑटोनेट को इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे साथ थोड़ा कॉपरेट करा, मुझे काफ़ी हेल्प करी इस वीडियो को बनाने के लिए और अपने प्रोडक्ट के बारे को बताने के लिए मुझे अलाउ करा। तो वेरी थैंक्स, थम्स अप एंड अ वेरी ग्रेट थैंक्स टू ऑटोनेट्स पांडव नगर। तो दोस्तों इसी नोट में चलिए आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। और जो इससे आने वाली मेरी जो वीडियो होगी वो छोटा सा सरप्राइज होगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि वो गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी उतनी पसंद होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है और मैं भी कोशिश करूँगी उसमें अच्छे से अच्छी एडिटिंग कर सकूँ, ताकि वो गाड़ी आपको भी अच्छी लगे और वीडियो आपको भी अच्छी लगे। जिस तरह से मैंने ये वीडियो में पूरी जान डालने की कोशिश करी कि वीडियो अच्छी बने और आप लोगों को पसंद आए, तो दोस्तों इसी तरह मैं अपनी बाकी वीडियो के लिए भी उतनी कोशिश करता हूँ कि। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं क्लोज और मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइल।